आइए एक छोटा सा सोहरा आप लोग सुन करते चले। ये सोहर उस समय का है कि कैसे ननद के कोई संतान नहीं होती है, भाभी के कोई संतान नहीं होती है तो ननद अपना मायका छोड़ देती है, लेकिन जब सुनती है खुशखबरी कि मेरी भाभी की कोई संतान जन्म लेने वाली है, कैसे आज नेग लेने के लिए आ जाती है और कहती है कि भाभी मैं अपना नेग लेके रहूंगी। तो आज भाभी भी बहुत चालाक है, कहती है कि बिना कार्य करवाए मैं तुमको नेग नहीं दूंगी। आज कैसे प्यारे शोहर के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। ओ ननदी धीरे धीरे, ए ननदी धीरे धीरे कमर पिराई कोठरिया हमरी ली प्रभु हो। ननदी धीरे धीरे भाभी। ओ ननदी धीरे धीरे कमर पिराई कोठरिया हमरी ली प्रभु हो। ननदी लेकिन भाभी उस तिलरी को नहीं देती है और क्या कहती है, ए रामा एक नोटा फेंकली बाबूजिया दो सारी नोटा फेंकली दो सारी नोटा फेंकली हो। ननदिया ये ननदी लेना लियो घर के लिए पौनी तिलरिया नहीं देवे तिलरिया नहीं। आज विचार करने लगी ननद की मेरी भाभी तिलरी नहीं दोगी, तो वो जाकर के अपने पिता के पास पहुंचती है और कहती है क्या, ए रामा इतने वचन सुने ननदी तो बबूला ढीग आई तो बप्पा ढीग आई हो। बप्पा ए बप्पा चले चलो अपनी महलिया तो झगड़ा में टावो तो झगड़ा के पास में आए हैं बहू के पास और बोले हैं क्या, ए रामा इतने वचन सुने ससुरा तो बहुहर ढीग आवे तो बहुहर ढीग आवाई हो। बहुहर ए बहुहर देना दियो सोने कहती लरिया बेटी का मनो राखो बिटिया का मनो राखो।
ससुर की बात सुनकर के बहू ने जवाब दिया, अपनी बेटी का पक्ष लेने आ गए हो, लेकिन सुनो। हे ससुरा ना तोरे बप्पा कई गा तिलरिया मोरे मई के कि तिलरिया नहीं देब तिलरिया नहीं देब हो। जाती है, सब लोग आकर के मनाते, लेकिन किसी के कहने पर वो तिलरी नहीं देती है। तब ननद ने विचार किया कि अब इन्हीं के पति के पास में चलना चाहिए, आज उन्हीं के भाई के पास में जाती है और जाके बोलती है, क्या रामा इतने वचन सुने बहना तो भैया ढीग आवे तो बिरना ढीग आवई हो बिरना बिरना चले चलो अपनी माँ हलिए तो झगड़ा में टावो तो झगड़ा में टावो हो। कहती लरिया बहने पर देशन बहने पर देशन हो। भौजी लेना लियो सोने कहती लरिया भैया के घर रही जाओ हो।